एकनाथ शिंदे की विदाई तय, शरद पवार ने खेला बड़ा खेल। 10 अगस्त को महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे अजीत पवार। देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ ग्रहण तारीख पर रुख किया साफ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार कब तक रहेगी, शिंदे कब तक प्रदेश के सीएम रहेंगे, कब तक उनकी विधानसभा सदस्यता बची रहेगी और कब तक प्रदेश में एनसीपी की सरकार आएगी और अजीत पवार प्रदेश के सीएम बन जाएंगे। अजीत पवार को लेकर राज्य में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावा तो इस बात का किया जा रहा है कि अजीत पवार एनडीए में सीएम बनने के लिए ही आए हैं। अजीत पवार को सीएम बनाने के सारे दांव पेश शरद पवार ने ही चले थे। अजीत पवार तो सिर्फ चाचा के इशारे पर काम कर रहे थे। इसी बीच एनसीपी के अजीत गुट के विधायक और मंत्रियों की ओर से इस बात के दावे भी किए जा रहे हैं कि जल्द ही अजीत पवार दादा राज में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। जिस तरह से अजीत पवार को बीजेपी हाईकमान सम्मान दे रहा है, उससे अजीत पवार के सीएम बनने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब शिंदे के नंबर बीजेपी हाईकमान के सामने तेजी से घटते जा रहे हैं। शिंदे अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस का झुकाव भी अजीत पवार की ओर दिखाई दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। चौहान ने दावा किया है कि सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 15 दूसरे विधायक अयोग्यता पर फैसला 10 अगस्त के आसपास लिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर देंगे। उनकी विधानसभा सदस्यता जाते ही वो सीएम पद के अयोग्य हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। इसके बाद बड़ा खेला होगा। अजीत पवार को 10 अगस्त के आसपास सीएम पद की शपथ भी दिलाई जाएगी। 10 अगस्त तक इंतजार कीजिए, बड़ी खबर आने वाली है। अजीत पवार 10 अगस्त या फिर उसके आसपास सीएम पद की शपथ लेंगे। 15 अगस्त को अजीत पवार सीएम के रूप में राष्ट्रध्वज फहराएंगे और ये मैसेज एकनाथ शिंदे को मिल चुका है और इसीलिए वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। चौहान ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार बीजेपी के साथ सीएम बनने की डील पर ही आए थे और अब इस डील को पूरा करने का समय आ रहा है। इसका असर अजीत पवार को बीजेपी हाईकमान की ओर से मिल रहे सम्मान पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच एनसीपी में भी बड़ी उठापटक मची हुई है, क्योंकि अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनसीपी के दोनों गुटों के प्रदेश अध्यक्ष आपस में मिले हैं और जिस गर्मजोशी के साथ दोनों मिले उससे कई संकेत मिल रहे हैं। शरद पवार गुट के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे विधानसभा परिसर में एक दूसरे को गले लगाते देखे गए। जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले उससे ये नहीं लग रहा है कि उनके बीच में बड़ा विवाद चल रहा है और इसे कोई सामान्य मुलाकात नहीं माना जा रहा है, जिस कारण कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के साथ एकनाथ शिंदे की नींद उड़ती दिखाई दे रही है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाने के बाद कुछ देर तक गुफ्तगू, मंत्रणा और बातचीत की। इस घटना के फोटो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि आखिर एनसीपी के अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है। दरअसल महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेता पहले दिन से इस बात का दावा कर रहे हैं कि एनसीपी हुई बगावत के पीछे शरद पवार का ही हाथ है, क्योंकि अजीत पवार के साथ इस बार वो नेता भी चले गए जिन पर शरद पवार सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। खासतौर पर प्रफुल्ल पाटिल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये लोग अजीत पवार की जगह शरद पवार के करीबी माने जाते हैं। छगन भुजबल को शिंदे सरकार में मंत्री पद मिला तो सुनील तटकरे को अजीत गुट ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो उनकी बेटी अदिति तटकरे को सरकार में मंत्री पद मिला हुआ है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार संसद के मानसून सत्र के बाद होना है और इस बात का दावा किया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में इस बात के सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ एनसीपी फिर से एक नहीं होगी, बल्कि महाराष्ट्र की कमान अजीत पवार के हाथों में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।